नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं कशिश अरोड़ा। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। स्वागत है और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। आज बरेली के आर्य समाज की गली के कुछ व्यापारियों ने एक साहसी और एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोरोना महामारी जिस तरीके से पैर पसार चुकी है बरेली के अंदर, उसके बाद इन्होंने अपने स्टाफ को लेके आने जाने वालों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए उन्होंने स्वयं का ये निर्णय लिया है कि वह अब 8 दिनों के लिए दुकानें बंद रखेंगे, जिससे लोग सुरक्षित रहेंगे, उनके स्टाफ पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देखेंगे कि उन्होंने एक बरेली में एक अच्छी पहल करी है, जिसके बाद हो सकता है कहीं ना कहीं इस पहल के बाद और भी व्यापारी लोगों पर इसका असर पड़े। क्या इस पहल के बाद कुछ ऐसा असर पड़ने वाला है कि संक्रमितों की संख्या कम होने वाली है? क्या कुछ ऐसी व्यवस्था बनने वाली है जिसके बाद कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? देखते रहिए यहाँ पर गली नंबर। मेरी शॉप गली आर समाज में बहुल रानी साड़ीज के नाम से। आज हमारी मर्केंटाइल एसोसिएशन ने सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि हम अपनी शॉप एक हफ्ते तक क्लोज रखेंगे, बिकॉज द स्प्रेड ऑफ COVID-19, जैसे कि कोरोना वायरस का खतरा बरेली में बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए हमें अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने स्टाफ, अपने कस्टमर सबकी सुरक्षा करनी है। हमें आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकलना है, अन्यथा हमें घर पर ही रहना है। और जैसे कि मोदी जी का भी आह्वान है कि जान है तो जहान है, तो सबको ध्यान में रखते हुए हमें अपने व्यापार और परिवार सबको सुरक्षित रखना है। आशा करता हूँ आप भी अपना परिवार सुरक्षित रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। कदम एक सराहनीय और एक बड़ा सुंदर एक कदम है, जिसके बाद उन्होंने न केवल आने जाने वालों का ध्यान रखा सुरक्षा हेतु, अपितु अपने स्टाफ का और खुद का भी ध्यान रखा। 8 दिनों का ये ऐतिहासिक कदम कहीं ना कहीं बरेली के अंदर कुछ बदलाव जरूर लाएगा। बने रहिए मेरे संग सिटी न्यूज़ बरेली में। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से ना घूमें। धन्यवाद।